केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने पर भाजपा महिला पार्षद दल ने नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सभी समाज की महिलाओं को सम्मानित किया। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के अवसर पर भाजपा महिला पार्षद दल द्वारा दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में बुधवार को नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की उपस्थिति में कार्यक्रम में आई हुई सभी समाज की महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीति के गलियारों में सरोज पांडे की उपस्थिति और महिलाओं का जुड़ना हलचल मचा दिया है। बता दें कि महिला आरक्षण बिल पारित होने पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल में पिछले कई सालों से रुकावटें आ रही थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित करवाकर हम महिलाओं को उड़ान भरने के लिए परवास दिया है। आगामी 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर सरोज पांडे ने कहा कि मैं कभी भी नहीं कहती कि मैं चुनाव लड़ूंगी, पार्टी जो कहती है मैं वही करती हूं। मैं पहले भी कभी चुनाव के मैदान में नहीं थी और आज भी नहीं हूं। बहुत लंबे समय से ये बिल लंबित था और इसके कारण ये पारित हो नहीं पाता था। जब बिल आता था तो कहीं पे बिल को फाड़ के और बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती थी जिसमें बिल पारित ही नहीं हो पाता था। लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में नहीं आया। और पिछली सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं थी, साफ नहीं थी, इसके कारण ये बिल पारित नहीं हो पाता था। महिला आरक्षण होना है ये सब कहते ज़रूर थे लेकिन करता कोई नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 21 सितंबर को ये राज्यसभा में पारित हो गया तो आने वाले 2029 को अब लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगहों पर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, उन्हें अवसर मिलेगा, एक नई सुबह, एक नया सूरज, एक नया आसमान, और उस पर उड़ान भरने के लिए प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को अवसर दिया। हम प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अवसर दिया। हम किसी भी विषय के लिए लाए हों लेकिन बिल ला के पारित कराया ये कम बात नहीं है, और विपक्ष आरोप लगाने की नैतिक बल नहीं रखता है। जब किसी के विवेक का दिवालियापन हो जाता है तो ऐसे बयान आते रहते हैं। वो कौन से मुकाबले में खड़े हैं पहले अपने विधानसभा को देख लें कि कहाँ खड़े हो पाएंगे। इनके विधानसभा में, इनके मुख्यमंत्री के विधानसभा में उनकी हालत ख़राब है। अभी तो मैदान में शुरुआत हुई है, अभी तो पानी बहुत बहना बाकी है। ये जो कह रहे हैं कि हम मुकाबले में नहीं हैं, वो कहाँ खड़े होंगे मैं उनसे बाद में पूछूंगी कि वो कहाँ खड़े होने वाले हैं। उनको डर है और वो मेंटल प्रेशर में है, इसके कारण अब उन्हें ये करना पड़ रहा है। नहीं तो ये अभी तक तो महिलाओं को कोई स्थान मिला मुझे लगता नहीं है। कौन सा दौरा रद्द हुआ? एक एक केवल अमित शाह जी का एक दौरा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए हैं, उसके बाद में कार्यक्रम हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, कौन सा दौरा रद्द हुआ है? क्या है इन सब लोगों के इतने मेंटल प्रेशर के कारण इनकी याददाश्त भी चली जा रही है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप दुर्ग से लड़ने वाले? मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी ये तय मैंने कभी पहले भी नहीं किया। पार्टी कहती है वही कार्य किया है और चुनाव के मैदान में मैं पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं। वही सरोज पांडे ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब वह जाति का जनगणना और महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा तय करने की बात कह रही है। साथ ही दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शहर का विधायक और शहर का महापौर दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। महापौर विधायक के बिना नहीं चल सकता और विधायक के बिना नगर निगम दुर्ग अधूरा शहर की हालत एकदम दयनीय स्थिति पर है। चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।